महिंद्रा स्कॉर्पियो माजी के लिए ये कार सबसे पहले बदनाम हुई थी। इंडिया में इसको 2004 में लॉन्च किया हो तब से इसने तहलका मचा रखा है ना। कोई नॉर्मल गाड़ी नहीं है, चलता फिर तो शमशान घाट है। अब जैसे ही इसे रोड पे लेके निकलेंगे ऑटोमेटिक लोग की गांड जलना आपसे चालू हो जाएगी। मानिए आप बहुत शरीफ है, वायलेंस से दूर रहते हैं, लेकिन गलती से भी आप कभी इस गाड़ी में बैठ गए तो पता नहीं क्यों आपका हमेशा वेपन कैरी करने का मन करने लगेगा। गाड़ी नहीं है ये, बदमाश लोगों को तो भले इसके सामने करोड़ों की गाड़ी आप रख दो तो भी प्रेफर ये करेंगे कि भैया स्कॉर्पियो में जाना। इस वीडियो को शेयर करते ही जो सबसे टॉप पे पहला नाम आएगा, यकीन कर मेरे दोस्त, सबसे पहले तेरे वही काम आएगा। और बाप का पैसा नहीं, साई बहुत है। XUV 700 को लॉन्च हुए एक साल हो गया, लेकिन महिंद्रा की तरफ से अभी तक सीक्वेंशियल टेल इंडिकेटर अपडेट नहीं हुआ है। तो डिलीवरी के टाइम बोला था कि 5-6 महीने के अंदर आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया है। तो अगर वो आ जाए तो गाड़ी और भी क्या शानदार लगेगी। कामयाब तो होके रहेंगे मेरे भाई, ये छोटी मोटी दिक्कत से फर्क नहीं पड़ता। महिंद्रा स्कॉर्पियो दोस्तों, इंडिया में जितना स्कॉर्पियो का क्रेज है उतना ना तो किसी और गाड़ी का है और ना ही हो सकता है। और ब्लैक कलर में तो इस गाड़ी की सुंदरता पर 4 चांद लग जाते हैं।